शांति। आज 7 दिसंबर 2022, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण करने हैं, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण करने हैं और पतितों को पावन बनाना है। पतित से पावन बनाने की सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है। तो आज हमारा मुरली का सार, आज का प्रश्न है, पिछाड़ी के समय लास्ट टाइम पर कौन सी अवस्था आनी है, कौन सी अवस्था आनी है? उत्तर, पिछाड़ी के समय निरंतर रूहानी यात्रा करेंगे। कैसी होगी रूहानी यात्रा? क्या करेंगे हम, क्यों करेंगे? क्योंकि चारों तरफ लाशें बिछी पड़ी होंगी, चारों तरफ दुख ही दुख होगा, तो नेचुरल बाबा याद आएगा, अति पर होगा ना दुख भी, और फिर समझ में भी आ जाएगा कि अब तो स्वर्ग आया कि आया, अब तो रात खत्म होने वाली है, अति पर आ गई है। बाप और वर्षा याद आता रहेगा, बाप भी याद आएगा और वर्षा भी याद आएगा कि क्या मिलने वाला है। वैकुंठ देखते रहेंगे, क्यों, कौन देखेंगे वैकुंठ? जो धारणाओं में पक्के होते जाएंगे वो वैकुंठ देखते रहेंगे। बस अभी हम ये प्रारब्ध पाएंगे, अभी हम बस सतयुग में गए कि गए, हर्षित होते रहेंगे, परंतु अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो पछताना भी होगा, सजाओं का भी साक्षात्कार करेंगे। कैसी कैसी सजाएं मिलेंगी सबको, साक्षात्कार होगा। कब होगा, लास्ट में होगा या अभी होगा? जो बाबा के बच्चे बनते जा रहे हैं उन्हें हर कष्ट मिलने पर पता लग जाता है, समझ में आ जाता है, मेरे कर्मों का फल, यही साक्षात्कार है। और कोई साक्षात्कार थोड़ा होना है, कोई यदि मुझे दुख दे रहा है तो समझ में आ जाता है ये मेरा दिया हुआ है, हिसाब बराबर। अब जिसको ज्ञान नहीं है वो तो लास्ट में ज्ञान मिलेगा तो लास्ट टाइम महसूस करेगा, और हमारे लिए तो अभी साक्षात्कार हो रहा है ना। जब भी हमें कोई दुख मिलता है, कोई दुख देता है, तो हमें समझ में आ जाता है ना, उसमें हम चाहे 2 मिनट दुखी हुए, 10 मिनट दुखी हुए, आधा घंटा दुखी हुए, 1 घंटा दुखी हुए, ज्ञान होते हुए भी दुखी हुए, तो ये साक्षात्कार है। जब समझ में आया कि ये मेरी ही कर्मों का फल है, यही साक्षात्कार है, जानकारी मिलना। बाकी कोई चित्र थोड़ा दिखाई देगा, मूवी थोड़ा दिखाई देगी कि मैंने किस आत्मा को कब क्या मारा था जो उसने आज मुझे ये मारा है। समझ में आ जाएगा कि जो मेरे को दुख दे रहा है, ये दुख मैंने इसको दिया हुआ है, चाहे कब दिया, कैसे दिया, दिया था। गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, ओम शांति। ये है रूहानी यात्रा, रूहानी यात्रा। सबसे जास्ती महत्व इस यात्रा का है, सबसे जास्ती महत्व इस यात्रा का है। यह है ईश्वरीय भाषा अथवा भाषण। तुम भी भाषण करते हो ना, तो बाप कहते हैं सबसे जास्ती तो मैं भाषण करता हूं। क्यों भाई, क्यों सबसे ज्यादा भाषण करते हैं बाबा? सोचा होगा, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूं, तो ज्ञान का सागर मैं हूं, तो भाषण भी तो मैं ही ज्यादा करूंगा। और फिर पतित पावन सदगति दाता हूं,
ज्ञान से सदगति होती है। बाप कहते हैं वास्तव में मेरा नाम भी एक ही है, ज्ञान का सागर और सदगति दाता। तो एक को ही कहेंगे, बहुतों को तो नहीं कह सकते। दूसरे मनुष्य ये भी समझते हैं कि ये ड्रामा है, चक्र भी दिखाते हैं, परंतु चक्र की आयु भिन्न भिन्न दिखाते हैं। चक्र का भी ज्ञान चाहिए। लाखों वर्ष कह देने से कोई बात सिद्ध नहीं होती, कोई बात बात का विचार भी नहीं कर सकते, तो लाखों वर्ष है, क्या हिसाब लगाएं उसका, क्या सोचें उसके बारे में। बाप को कहते हैं सर्व का सदगति दाता लिबरेटर। इतनी आत्माएं जो ऊपर से आई हैं, पहले यहां नहीं थी, पहले यहां नहीं थी, फिर जरूर नहीं होंगी, पहले नहीं थी फिर जरूर नहीं होंगी, तो इतने सब को कौन आकर वापस ले जाएंगे, कौन वापस ले जाएगा इतनी सब आत्माओं को, क्योंकि इतनी ढेर सारी आत्मा यहां आई, पहले कम थी, तो बाकी आत्माओं को तो वापस घर जाना पड़ेगा ना। गाइड तो है ही एक परम पिता परमात्मा, गाइड अर्थात जो आगे रास्ता दिखाता चले। गाते भी हैं पतित पावन गाइड, सर्व का सदगति दाता। गुरु होता ही है गति करने वाला, गुरु होता ही है गति करने वाला, तो गुरु गति करेंगे, बाकी गुरु वो भी गति करेंगे। अपने जो शिव बाबा उनको रास्ता बताएंगे, वही रास्ता आगे वालों को बताएंगे, वो गति करने के निमित्त बनेंगे। जैसे बाबा हम बच्चों को कहते गति, हाँ सदगति के लिए भी, पर पहले गति को देखे ना, कि बाबा हमें कहते बच्चे तुमने सबको गति सदगति का रास्ता बताना है, ये लाइन हमें याद रखनी, हमने बताना है। बाबा ने हमें समझा दिया, अब हमने सबको समझाना है कि गति और सदगति का रास्ता क्या है। तो ये रास्ता वो बच्चे भी सुनेंगे, वो बच्चे फिर आगे बताएंगे। तो जो जिनका इष्ट देव है, पहले देवता है, देवी देवता है, आप जिनके जिनके इष्ट देव हो उनको आप गति सदगति का रास्ता बताओ। तो वो उनके इष्ट देव हैं, जो भी गुरु है जिनके, जो द्वापर कलयुग में आने वाले हैं। अब वो सदगति तो उतनी दे उतना ही रास्ता बता पाएंगे सदगति का, जितना उनके पास हिम्मत होगी, जितना उनको समझ में आया होगा, परंतु गति तो वो सबको देंगे, क्योंकि सदगति भी सबकी होनी है, गति भी सद सबकी होनी है। तो अब शिव बाबा तो एक एक आत्मा तक जाएंगे नहीं, तो सदगति भी उनके गुरु जितना उनको रास्ता समझाएंगे वो समझेंगे, और जितने इष्ट देवी देवताएं 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, वो जितनों को गति सदगति देने के निमित्त बनेंगे। बाबा ने तो रास्ता दिखा दिया और सबको छुट्टी दे दी कि सारे आगे बता सकते हो, जितनों को दे सकते हो वो तुम्हारी मर्जी है। गुरु होता ही है गति सदगति करने वाला। गुरु आगे फॉलोअर्स को पीछे रख जाते थे, रखा जाता था, गुरु जो है हाँ, और फॉलोअर्स को पीछे रखा जाता था, वे आगे आगे गुरुजी चलेंगे, पीछे उसके चेले चलेंगे। और यहां ऐसी बात नहीं, यहां क्या है फिर, यहां तो बाप कहते हैं बच्चे तुम आगे आगे चलो, क्योंकि गौशाला भी है ना, गौओं के पीछे पीछे ग्वाला रहता है, नहीं तो गौएं इधर उधर चली जाए। अब ये रानी मक्खी बनेगा या ग्वाला बनेगा, ये आप सोच लो, ठीक है, क्योंकि सभी आत्माएं एक ही सेकंड में जाएंगी। बाबा को पता है कि कोई भी आत्मा रुक नहीं सकती, कुछ भी गलती
कर नहीं सकते। बाप भी पिछाड़ी में रहते हैं। आजकल भगत लोग समझते हैं आगे महात्मा जी हो उनसे आगे जाना बेइज्जती समझते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम आगे हो, बाप को तो पिछाड़ी में सारी नजर करनी पड़ती है कि कोई खा ना जाए। मिसाल है ना, शेर रे शेर, और शेर आया परंतु शेर था ही नहीं। तुम्हारे लिए भी कहते हैं कि ये बीके तो कहती है विनाश होगा विनाश होगा, होता होता नहीं है परंतु होना तो जरूर है। आगे चल मनुष्य समझ जाएंगे बरोबर विनाश का समय है। तुम बच्चे जानते हो विनाश किस लिए, विनाश किस लिए है? दुनिया को कुछ भी मालूम नहीं। अच्छा, महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ? महाभारत की लड़ाई हुई, उसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं। दुनिया वाले तो कहेंगे महाभारत के बाद क्या आ गया, कलयुग आ गया। तुम बच्चे भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हमको बाबा की मदद है ये तुम जानते हो। बाबा आया हुआ है क्या करने के लिए आया है, पतितों को पावन बनाने। तो बच्चों को भी यही सर्विस कर ऊंच पद पाना है, यही सर्विस करके ऊंच पद पाना है, पतितों को पावन बनाना है, अंधों की लाठी बनना है। रास्ता बताया जाता है अलफ और बे का, अलफ और बे का। बस फिर पढ़ाई बहुत सहज है, फिर पढ़ाई क्या है बहुत सहज है। झाड़ सामने खड़ा है, त्रिमूर्ति तो नंबर वार है, शिव बाबा के साथ त्रिमूर्ति मशहूर है, शिव बाबा के साथ त्रिमूर्ति मशहूर है। त्रिमूर्ति तो नंबर वन है, त्रिमूर्ति है शिव बाबा, शिव परमात्मा तो उनसे भी ऊंच है। त्रिमूर्ति तो नंबर वन है शिव के साथ, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु ये तीन कर्तव्य हैं। बाबा तो इन तीन कर्तव्यों को करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये भगत बच्चे बैठे होंगे तो उनको कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये शिव बाबा के साथ, शिव बाबा से अलग क्या है, तीनों कर्तव्य उसी के हैं। अब करवाता है एक ही आत्मा से, तो ये साकार मुरली है, साकार मुरली के अंदर ये यही तो शंकर पार्टी वाले पकड़ कर बैठे हैं कि त्रिमूर्ति अलग है। जैसे यहां से ये ऐसी ऐसी मुरलियों के पॉइंट्स उन्होंने पकड़ के बैठे हैं कि शंकर शिव और शंकर कहते हैं, कभी शिव ब्रह्मा कहते हैं, शिव विष्णु कहते हैं नहीं कहते, तो शिव और शंकर ये दोनों एक, वो भक्ति मार्ग की लाइन को पकड़ कर बैठे हुए हैं। तो ये जो शंकर है ना, ये शिव है, यही परमात्मा है, यही आकर के सारे राज को समझाता है। तो मतलब ये बाप है आपका, वो मेरे पास भेजते है ना मैसेज, समझ ले ये बाप है, तेरे को मानना पड़ेगा। ठीक ठीक, मान लेंगे जब नहीं समझ में आएगी बात। त्रिमूर्ति तो नंबर वन है शिव के साथ, त्रिमूर्ति मशहूर है, शिव परमात्मा तो उनसे भी ऊंच है, वे तो फिर भी सूक्ष्म है। शिव बाबा तो परमात्मा तो उनसे भी ऊंच है, वे तो फिर भी सूक्ष्म है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। केवल सूक्ष्म आकार ही है ना, परंतु सूक्ष्म भी कुछ है ही नहीं, हाँ कोई आकार भी नहीं, केवल दुनिया को समझाने के लिए उनसे ऊंच परमात्मा, मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर महेश, ये तीनों तो सूक्ष्म वतनवासी हैं, आकार ही हैं, उनसे ऊपर है शिव बाबा, ये भक्तों के लिए है। परंतु उनका नाम रूप देश काल कुछ भी नहीं जानते,
किसका? परमात्मा का। ना तो नाम जानते हैं, ना रूप जानते हैं, ना देश जानते हैं और ना काल जानते हैं। तुम बच्चे भी नहीं जानते थे, तुम बच्चे भी पहले नहीं जानते थे। दिन प्रतिदिन सब कुछ समझाया जा रहा है, अभी तुम समझ चुके हो। आत्मा है, संस्कार आत्मा में भरते हैं, अच्छे व बुरे। संस्कार आत्मा में है, इस समय अच्छे संस्कार बहुत कम है, अच्छे संस्कार बहुत कम है, बाकी बुरे गिरने के संस्कार हैं। बुरे संस्कार क्या है? गिरने के। इस समय कोई के भी अच्छे संस्कार नहीं कहेंगे, जबकि है ही रावण, है ही रावण राज्य। मायावी दुनिया में भी कोई अच्छे कोई बुरे तो होते ही हैं। कोई पाप करते होंगे तो कहेंगे इनके संस्कार अच्छे नहीं है। बुरे संस्कार वाले, अच्छे संस्कार वाले देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। भारत बिल्कुल अच्छे संस्कार वाला था। ब्रह्मा क्या था? भारत बिल्कुल अच्छे संस्कार वाला था, अब बुरे संस्कार वाला है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं, मनुष्यों को भी ये पता नहीं है। बाप समझाते हैं, जो ऊपर से नई आत्माएं आती हैं, पहले अच्छे संस्कार वाली होती हैं, फिर बुरी हो जाती हैं, फिर उन्हों को ही तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर होना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर होना है। भारत के ही चित्र सामने हैं। बुरे संस्कार वाले बैठ क्या करते हैं? देवताओं का वर्णन करते हैं, क्योंकि वो हैं देवी गुण वाले और वो हैं आसुरी गुण वाले। समझते भी हैं कि विकार में जाना आसुरी स्वभाव है, सभी जानते हैं, परंतु भेड़ चाल चलते रहते। इसलिए सन्यासी भाग जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, फिर कहते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोवर हूं, मैं फलाने सन्यासी का फॉलोवर्स हूं। परंतु सब तो फॉलो करते नहीं। वो ब्रह्मचारी बनाए, तुम भी ब्रह्मचारी बनो तब तो है। तुम फॉलोवर्स हो परंतु उसको फॉलो तो करते नहीं हो। तुम जानते हो ये देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति वर्ग के थे। ये देवी देवता क्या थे? पवित्र परिवार में रहने वाले थे, वही अब अपवित्र बने हैं। बाप समझाते हैं, तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, दैवी दुनिया और आसुरी दुनिया गाई जाती, देवी दुनिया और आसुरी दुनिया गाई जाती है। अभी तुम समझते हो रावण के कारण ही इतना दुख हुआ, रावण के कारण ही इतना दुख हुआ है। बाप सम्मुख समझाते हैं, तुम हो पूज्य, तुम ही पूज्य थे, सो अब क्या बने हो? पुजारी बने हो। फिर मैं आकर पूज्य बनाता हूं। बाप तो सदा पूज्य है, ब्रह्मा को एवर पूज्य नहीं कहेंगे। एवर पूज्य एक बाप ही है।
जो कहते हैं मैं आकर तुमको 21 जन्मों के लिए पूज्य बनाता हूं, बहुत ढेर के ढेर देवियां हैं। ढेर के ढेर क्या हैं? देवियां हैं। तुम बहुतों ने मिलकर भारत को पावन बनाना बनाया है। तुम बहुतों ने मिलकर भारत को क्या बनाया? पावन बनाया है। अब तुम्हारी बुद्धि में फर्स्ट क्लास नॉलेज है। कौन सी फर्स्ट क्लास नॉलेज है? कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप ही सारा राज समझाकर अपने साथ रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं। कहां जाने हमने? रूहानी यात्रा कहां करनी है? परम धाम जाने की। परम धाम जाने के लायक बनना है। यात्रा पर ले जाते हैं, वह है स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का पिता, आत्माओं का बाप। उनकी महिमा है, उनकी ही महिमा गाते हैं कि हे पतित पावन आओ। बहुत मनुष्य समझते हैं कि आत्मा पतित होती है, कोई फिर नहीं भी समझते, वो कहते शरीर पतित होता है। बुरे व अच्छे संस्कार आत्मा में ही है ये समझते ही नहीं। आत्मा ही दुख उठाती है, तो बाप समझाते हैं बच्चे सर्विस करो। पाप आत्माओं को पावन पुण्य आत्मा बनाओ। भारत का गायन है कि भारत जैसा पुण्य आत्मा कोई नहीं। शिव पर बलि भी चढ़ते, भारत में चढ़ते शिव पर बलि भी भारत में चढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। समझते थे हम शिवपुरी मुक्ति धाम में चले जाएंगे, परम धाम में चले जाएंगे, बस इतना ही पता था। ऐसे नहीं कि सेकंड में उनको मुक्ति मिलती, ये नहीं पता था कि हमें मुक्ति एक सेकंड में मिलती है सबको। हां, जो पाप किए हुए हैं उनसे मुक्ति मिलती है, बाकी वापिस स्वीट होम में कोई जा नहीं सकते। स्वीट होम में कोई जा नहीं सकते। स्वीट होम है मात पिता का घर। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, अंधश्रद्धा से सिर्फ ईश्वर कह देते हैं। जब ईश्वर एक है फिर मात पिता क्यों कहते हैं? आज बहुत कुए राज खोल रहे बाबा, जो कल की मुरली में भी एक कुए राज था, आज उसके कुए राज का दूसरा पार्ट खोल रहे। जब ईश्वर एक है फिर माता पिता क्यों कहते हो? डबल डबल क्यों कहते हो भी? मां कैसे होगा? वो है रचता, तो जरूर माता भी होगी। शिव बाबा आज मां बनने से इनकार कर रहे, ठीक है, माता भी होगी, नहीं तो रचना कैसे हो? तो मात पिता हम बालक तेरे, तो बालक, ये राज वाली बात यह है कि बालक जिस्मानी ठहरे ना, बालक तो जिस्म होगा तो बालक कहलाएगा, आत्मा तो बालक नहीं कहलाएगी। आत्मा तो स्वयंभू है, आत्मा तो परमात्मा का बच्चा नहीं है, नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? आत्मा परमात्मा का बच्चा क्यों नहीं है? परमात्मा ने आत्मा को क्रिएट पैदा थोड़ा किया, कहता है मैंने किसी भी आत्मा को पैदा नहीं किया। जैसे मैं स्वयंभू हूं ऐसे तुम भी स्वयंभू हो, फिर तुम बच्चे थोड़ा, आत्मा बच्चे थोड़ा है।
तो पर आत्मा बिना शरीर के तो माता पिता बोल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते जब शरीर में आए, इसी बात को जिस्मानी ठहरे। परम धाम में तो परम धाम में ना आत्मा देखता परमात्मा को ना परमात्मा देखता आत्मा को, कोई रिश्ता ही नहीं, बस। और कल की मुरली में कहा बाबा ने कि मैं तुमको एडॉप्ट करता हूं, ब्रह्मा को नहीं करता हूं। ये कल की मुरली की बात, मतलब आज की हमारे लिए कल की मुरली, जो कल की मुरली की बात है कि मैं ब्रह्मा को एडॉप्ट नहीं करता हूं, मैं तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूं, ब्रह्मा में तो प्रवेश करता हूं, ब्रह्मा के द्वारा तुमको अडॉप्ट करता हूं। आधी बात कल, आधी बात आज, एक साथ समझावे तो किसी को समझ में भी आ जावे। वही तो बाबा चाहता नहीं। बाबा ने कसूर और बाबा का है ना कसूर बाबा का है ना ये ड्रामा का है, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि एकदम वो भी आज बात बता रहे हैं। क्यों आधी आधी बात बताता हूँ, क्यों सारी बात नहीं बताता हूँ, ये भी आज बाबा कह रहे हैं। तो मैं समझ में आ रहा है कि कल कहा था ना ये कि भी है ना सारी बातें एक साथ हो ना बताऊंगा, तो हमें समझना है क्या मतलब वंडरफुल बात क्या है कि ब्रह्मा को क्यों नहीं अडॉप्ट, ब्रह्मा को क्यों अडॉप्ट नहीं करता, ब्रह्मा को बच्चा भी कहता है, मैं इसमें प्रवेश करता हूं, प्रवेश करके इसको सारे राज समझाता, इसी के मुख से कहा ना कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे सारे जन्मों को जानता हूं, तुम ही सतयुग में कृष्ण थे, जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, अब फिर जैसे मैं कहता हूं वैसे करो तो तुम पुनः फिर से जो है ना क्या बन जाएंगे, कृष्ण बन। ये बात इसको इतना बड़ा लालच, इतना बड़ा बात बाबा ने इसके तन में प्रवेश करके पहले पहले ये लालच दिया, ये टेम्पटेशन दिया। ब्रह्मा बाबा के मुंह से ही बोला ना, और ब्रह्मा बाबा को ही बोला, ब्रह्मा बाबा के मुख से ब्रह्मा बाबा को बोला, क्योंकि ब्रह्मा बाबा बहुत डिस्टर्ब हो चुका था, पहले तो उसको डिस्टर्ब किया, उसके मुंह से शिवो हम बोल दिया, पता मैं शिव कैसे हो गया, वह तो भक्ति मार्ग में बोलते थे कि ऐसे बोला गया है, क्या हुआ कैसे हुआ कोई गुरु नहीं बता पा रहा था, फिर बाढ़ का विनाश का सीन देखा, फिर नई दुनिया का सीन देखा, फिर ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, कहते मैं कैसे बनाऊंगा, मैं कौन हूं, मैं क्या करूंगा, इसने आज खड़े कर दिए। फिर परमात्मा ने इसके ही तन का आधार लेकर इसको बताया कि काम मेरा है, करने के निमित्त तुम हो और तुम ही अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें सारे राज समझा रहा हूं, अब तुम मुझे अपना तन मन धन दे दो। पहली ही मुलाकात में लूट लिया बस। तो बालक जिस्मानी ठहरे ना, शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको अपना बनाते हैं, इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं, अभी तुम बाप द्वारा सन्मुख सुन रहे हो, अभी तुम बाप द्वारा सम्मुख सुन रहे हो। फिर 5,000 वर्ष के बाद सुनेंगे, अभी जो तुम लिख रहे हो ना वो सब खत्म हो जाएगी, वो सब क्या हो जाएंगे, फिर ये बात बताए कौन, फिर ये बातें बताए कौन, समझो कोई नीचे से पुराना कागज आदि निकलते हैं जिससे शास्त्र बैठ बनाते हैं, फिर भी भक्ति मार्ग वाले वही शास्त्र निकलेंगे, कोई नए नहीं बनाए,
ड्रामा प्लान अनुसार नीचे से वही निकले होंगे, नीचे से निकलेगा ही कुछ नहीं, निकले होंगे क्या? हाँ, कुछ नहीं बचेगा, ये बचेंगे नहीं, बढ़िया से बढ़िया बचेंगे नहीं, लेमिनेशन करा के रखो तो भी बचेंगे नहीं। हाँ। असैना के भगत बच्चे हैं, जैसी जितनी समझ सके उतनी उनके साथ बात करें। गीता भागवत महाभारत रामायण आदि फिर भी वही बनेंगे, उस टाइम पर फिर भी वही बनेंगे, स्वर्ग की सामग्री भी वही बननी है जो कल पहले आगे थी। हम अभी समझते हैं स्वर्ग में जाकर ऐसे ऐसे महल बनाएंगे, ऐसे ऐसे महल बनाएंगे, समझते हैं मतलब ना। तुम बच्चों को स्थाई खुशी रहनी चाहिए, हम जाकर प्रिंस बनेंगे, अगर निश्चय नहीं है तो स्कूल में जैसे बेसमझ बैठा। यहां भी अगर नॉलेज समझ कर किसको समझाते नहीं तो बेसमझ हुए ना। राजाएं तो बनने के बनने हैं, राजाएं तो बनने हैं, फिर कोई सूर्यवंशी में बनेंगे तो कोई चंद्रवंशी में बनेंगे। पढ़ाई में बहुत फर्क पड़ जाता है, बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े, बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े, बाप और क्या करेंगे। समझाएंगे रूहानी यात्रा पर रहो और कुछ नहीं समझा सकते, और कुछ नहीं समझा सकते हो तो चित्रों पर समझाओ। ये भी देखते हो जिनको समझाते हैं वो तीखे हो जाते हैं, और धर्म वाले भी आते हैं जो दूसरे धर्मों में चले गए। बाबा ने साक्षात्कार तो पहले ही कराया है कि ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट भी आएंगे, ये भी आएंगे, तो सभी आएंगे। ये सब समझने की बातें बिल्कुल ही सहज। सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है, मुश्किल बात है। क्या है मुश्किल बात? बाप की याद में रहना, बाबा की श्रीमत पर चलना, यही सबसे कठिन काम। पवित्र भी बन जाए, डिफिकल्ट है रूहानी यात्रा, सुधार करना, अपनी कमियों को चेक करना और अपनी गलतियों को दूर करना, ये बड़ा डिफिकल्ट। जिसमें थक जाते हैं, अगर सारा दिन याद ठहर जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। स्कूल के में पास तो तब होंगे जब रिजल्ट निकलेगी, रिजल्ट तो एक साथ निकलेगी ना, पहले रिजल्ट थोड़ा निकल जाएगी। मुख्य है रूहानी यात्रा की बात, रूहानी यात्रा ये अक्षर बहुत अच्छा है, योग में ही मेहनत है। हठ योग सिखलाने वाले तो बहुत है, हठ योग सिखलाने वाले तो बहुत हैं, परंतु ये है रूहानी योग, तुम्हारे सिवाय कोई समझा नहीं सकते, तुम्हारे सिवाय कोई समझा नहीं सकते। इस राज योग से ही मनुष्य पतित से पावन हो सकते हैं। ये योग बाबा और तुम बच्चे ही सिखला सकते हो। बाहर में जब सभी सुनेंगे तो कहेंगे कि हमारा योग ठीक है, हमारा योग ठीक है। और झूठ सभी झूठे योग है। बाहर में भी बच्चों को जाना तो है ना, इस योग को कोई जानते नहीं, उसका नाम ही है हठ योग, और ये है
राजयोग। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, वे हठ योग मनुष्य सिखाते हैं। अब भगवान कौन? श्री कृष्ण ने तो याद योग से इतना पद पाया, श्री कृष्ण ने योग से इतना पद पाया। भगवान तो ऊंचते ऊंच निराकार है, तो बीज और झाड़ का ज्ञान बहुत सहज, बीज और झाड़ का ज्ञान बहुत सहज है, बाकी याद में नहीं रह सकते, याद में नहीं रह सकते, बाबा की श्रीमत पर नहीं चल सकते। बाकी ज्ञान तो बड़ा आसान है। झाड़ आदि का राज बहुत सहज है, समझ में आ जाए जिसको, तो जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए तो मुश्किल ही, सारी बातें ही मुश्किल है। राज बहुत सहज है, किसको समझाना, कहानी है एकदम सीधी। बच्चे बहुत अच्छी रीति समझाते भी हैं, बाकी योग में मेहनत है। घड़ी घड़ी एक दो को सावधानी देते रहें तो भी अहो भाग्य, घड़ी घड़ी क्या दें, सावधानी देते रहें तो भी अहो भाग्य। समझते हैं सहज भी है तो मुश्किल भी है, बहुत फेल होते हैं धारणा करने में, योग में बहुत फेल होते हैं। इसलिए कहते हैं हमको योग में बिठाओ, हमको शांति पसंद आती है। शांति का नाम सुना है ना, कोई कहते हैं निष्ठा में हमको शांति मिलती है, निष्ठा सुना है, पहले दादियां भी निष्ठा में बैठती थी, और आज बाबा क्या कह रहा है ये भी गपोड़ा है। निष्ठा भी क्या है, ध्यान, निष्ठा होता है कोई संकल्प नहीं, बैठी है छत पे, कहां पे क्या कर रहे हैं पता, कुछ होश ही नहीं, बैठी है, हाँ, परंतु ये उसको निष्ठा कहते थे। निष्ठा वाले जो दूसरे हमारे योग में आता है, ऐसी अवस्था जहां संकल्प ना हो उसे कहते हैं निष्ठा, ठीक नहीं। हमें कुछ भी करने की इच्छा नहीं, इच्छा ही नहीं है, संकल्प ही नहीं है, बस कुछ सोचना भी नहीं। अब वो सोचते हैं हम सोच ही नहीं रहे हैं, हम तो खाली बैठे बस चित्र को देखे जा रहे, बस उनका एग्जाम्पल क्या होता है, भाई बहने जो एग्जाम्पल देते हैं, सूरज के धूप में जाके बैठ जाओ, आपे गर्मी आती, ऐसे ही तुम बाबा रूम में जाके बाबा के आगे बैठ जाओ, बस अपने आप आपको मिलता जाएगा। क्या मिलता जाएगा फिर, क्या हाँ बोलो, ये अब हम समझ पा रहे हैं ना, वो तो यही एग्जाम्पल देते हैं। और मैक्सिमम भाई बहन ये भी क्या करता है, सवेरे उठ के आंख बंद करके बैठ जाते हैं। सूरज भाई ने बताया हुआ, सूरज भाई का चेला, सूरज भाई के साथ फोटो खिंचवाया हुआ है, फोटो दिखाता फिरता है सबको, मोबाइल में लगा रखी है, हाँ ठीक है ना, तो सूरज भाई के साथ फोटो खिंचवाया होगा, उनके वहाँ गांव में आया होगा, युद्धा पाठशाला में कहीं, हाँ दिखाओ वैसे, मतलब कहने जो भी है, मतलब तो कहने का मतलब यह है कि बैठना, बैठने से क्या मिलेगा भाई, क्या करते हो, बस बैठा रहता हूँ, पाठ हर एक शांति मिलती, हाँ, विदेशी करा लेते हैं, उनको होता है क्या मिलेगा, मुझे समझ में है ना, फोटो करवा लिया हमने क्या मिलेगा, मोबाइल में टू करते, ये भी गपोड़ा है। निष्ठा भी बाबा कहते क्या है, उससे हो जाता है कि सुनीता दीदी इतनी आगे पहुंची कि वहां पे देखो उनके साथ
फोटो खिंचवा देते हैं, ऐसे मना नहीं है, कोई भी जा सकता है मिलने। हाँ मिलने जाओ, मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं उनको, कोई नहीं, कोई सी बात। आधा घंटा योग में बैठकर चले गए, वे कोई शांति नहीं। आधा घंटा गए बाबा रूम में बैठे, कहता बहुत शांति मिलती है, कोई शांति नहीं, वो अल्पकाल की हो गई। आप शांत रहे, शरीर को शक्ति तो मिली क्योंकि आपने ज्यादा कोई थॉट्स नहीं चलाए थे नहीं, या आपने गीत सुना या कमेंट्री सुनी, रिलैक्स तो रहे ना, बॉडी को रिलैक्स तो मिला, शरीर को राहत मिली, परंतु आत्मा को कुछ प्राप्ति नहीं हुई। जब तक हमारी आत्मा में चेंज नहीं आया, हाँ, बिहेवियर में चेंज नहीं आया, हमने अपनी किसी कमजोरी पे वो, जब तक परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, मेरी कमियां मेरे से नहीं निकली, तब तक योग में बैठने का कोई फायदा नहीं। मैं जैसे बाबा रूम में गया, चाहे आधे घंटे बाद आया, एक घंटे बाद आया, दो घंटे बाद आया, मेरे में कुछ परिवर्तन आया, तब तो रूहानी यात्रा हुई, तब तो संतुष्टता भी मिली, ये कुछ तो मिला। जब ग्रस्त व्यवहार में रहते, पवित्र वन रूहानी यात्रा पर रहे, ऑफिस में बैठे, घर में बैठे, यात्रा करते रहे, आपको कोई भी ऑफिस में बैठे हो तो भी यात्रा पर, सुधार आता जा रहा है तो, घर में बैठे हो तो भी यात्रा पर हो, जो अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी में आनी है, बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। पिछाड़ी में क्या आनी है? अवस्था। वो कौन सी अवस्था होनी चाहिए पिछाड़ी में? अनेक प्रकार के पेपर आएंगे, किसको से बाढ़ आएगी, किसी के सामने आग आएगी, किसी के सामने भोजन की समस्या आएगी, भोजन ही खराब हो गया है, विषैला हो गया है, तो उस टाइम पर क्या करेंगे, क्या करेंगे उस टाइम पर? उसके लिए बिना भोजन के, तो उसके लिए मैं अभी दादी गुजार की बात सुन रहा था, अपना चक्रधारी बहन के साथ बात हुई उनकी, तो वे अंतिम समय में क्या तैयारी करने के लिए बाबा ने कहा, तो गुजार दादी ने अनुभव सुनाया कि ना बाबा ने एक दिन कहा कि आज सभी खीर के साथ ही रोटी खाएंगे, नो वेजिटेबल, और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं खाना, और कुछ नहीं मिलेगा, यही खीर है, खीर के साथ आपने क्या खानी है? रोटी। वो खीर समझते हैं ना, चावल और दूध की खीर, मीठी खीर। तो फिर बाबा कचहरी भी लगाते थे, सबसे पूछते थे आप आज का किसी को कोई परेशानी, कोई मतलब दुख क्या फीलिंग कुछ भी आया है तो बताओ, तो बाकी सब सुनाते हैं। एक बहन ने सुनाया कि बाबा मैंने तो खीर मेरे को अच्छी नहीं लगती, खीर के साथ नहीं खाई, मैंने रोटी पापड़ के साथ खा। बाबा ने कहा बच्चे ये तो नहीं, ये तो तुम्हारी आसक्ति है, ये तो तुम्हारी अटैचमेंट थी पापड़ के साथ, थे नहीं? जैसा कहा गया था वहां होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, जो मिला उसी पर ही खाना था, ये तुम्हारी आसक्ति है कि तुमने पापड़ के साथ रोटी खाई, अनासक्त होना है। दादी ने कहा अनासक्त होना है, आसक्ति नहीं हो। एक बहन ने अपना अनुभव सुनाया कि ना मैं अभी से ही व्रत रखती हूँ, युक्ति लगा रही हूँ, कभी मैं सारा दिन पानी नहीं पीती हूँ, कभी सारा दिन मैं खाना नहीं खाती हूँ, कभी एक टाइम खाना मिस कर देती हूँ, ताकि उस समय को मैं सहज रीति फेस कर सकूँ। दादी ने कहा नहीं,
बाबा ने कभी भी ऐसी अनासक्त अवस्था को बनने का तरीका नहीं दिया। आप भोजन के लिए सोच रहे हो, पेपर तो आपका दूसरी तरफ से है ना, प्रैक्टिस हो गया कि अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें। हाँ, मतलब आप भोजन के लिए सोच रहे हो, अनासक्त होना है कि ठंड लगे, गर्मी लगे, सर्दी लगे, भूख लगे, प्यास लगे, बाढ़ आए, कुछ भी आए, मैं जहां हूं जो मिला है उतना ठीक, नहीं मिला है मुझे नहीं चाहिए, मुझे मिलना है तो मेरे ड्रामा में मेरे पास आना है तो वो आएगा ना। बाबा ने कभी भी चाहे कितना भी बैगरी पार्ट आया भूखा नहीं रखा, खाने के लिए नाश्ते में कुछ नहीं था, बाबा ने क्या किया, गुड़ पड़ा था, गुड़ में सोडा डाल के पिघाल करके सोडा डाल के खाइए कभी गज्जक, उसको बाबा ने क्या नाम दिया था, उसका नाम दिया था क्या बोलते हैं, ताकत वाली चीज है, उसको नाम मेरे को भूल गया, थे नहीं, कहा कि ये है वो, तो मतलब उसके गुड़ में, हम स्कूल में जाते थे ना तो हम पट्टी मिलती थी उसकी, तो हाँ, तो मतलब वो गुड़ को सोडा डाल करके फुला देते हैं, मीठा सोडा डाला गुड़ के अंदर और वो फूल जाता है, तो फटाफट जम जाता है, चाशनी गाढ़ी हो गई, तो वो सबको खिलाए। तो कहने का भाव समझ में आया हमें कि हमें ये नहीं सोचना है कि मैं बिना पानी के रह सकूं, उसका अभ्यास करूं, या मैं खाने का कम खाऊं या ना खाऊं, और बिना खाए भी मैं एक सप्ताह रह के देखूं, रह सकते हो, परंतु अंतिम समय में अनासक्त होना है और अनासक्त होने की प्रैक्टिस करनी है। अभी अंतिम समय की बात है ना, तो मेरे को दादी की बातें याद आ रही है ना, कि सारी सारी बातें कहां कहां से, कि अनासक्त, हमें अनासक्त बनना है, हमारा शरीर दबा पड़ा है, ठीक है, चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा तो ओम शांति, मैं ठीक हूं, मुझे कोई इच्छा नहीं, निकल सकते हैं तो निकले, नहीं निकल सकते हैं तो कोई बात नहीं, शरीर फंसा रहे, बाबा का फंसा पड़ा रहे, मैंने तो घर जाना है ना, कोई भी आसक्ति नहीं, कोई भी आसक्ति नहीं कि कुछ मिले, ठंड पड़ रही है, आप ठंड में फंस गए हो, हीटर होता, अब आपकी तो बुद्धि हीटर में चली जाएगी ना, हीटर नहीं है, ठंड लग रही है, कैसे करें, अनासक्त, प्राप्त हो सकता है प्राप्त करो, नहीं प्राप्त हो सकता तो टेंशन नहीं, ये बात बुद्धि में रखनी, अपने शरीर को उस हिसाब का बनाना पड़ेगा, नहीं किसके लिए बनाओगे, आप भोजन के लिए बना लो, भोजन का पेपर आना नहीं आपका, ठंड की ठंड में छत पे जाओगे, ठंड आनी नहीं है, ठंड का किसके किसके लिए बनाओगे, शरीर को किसी चीज से दबाओ, आप वो दादी गुलजार की बात बहुत वंडरफुल थी ना, कि किस किस के लिए बनाओगे, मानो शरीर दब गया, इसको दबा के कैसे वो करोगे, हाँ अब के किसके लिए करोगे, मतलब आप जब भी जहां भी हो, इसलिए बाबा क्या कहते थे, जहां बिठाएंगे प्रतिज्ञा का अर्थ कराते थे, जो खिलाएंगे जैसे रखेंगे हम खुश रहे, ये है अनासक्त, इस अवस्था को प्राप्त करना है, राज की मुरली के अनुसार हमें इस अवस्था को प्राप्त करना है, तब तो हम एंजॉय कर सकेंगे, नहीं तो कैसी भी थोड़ी सी हलचल आई हमारी अवस्था खराब हो जाएगी, हमने जिसके लिए तैयारी नहीं की पेपर तो वहीं से आनी है, जिसके हम मास्टर हैं वहां से तो पेपर आने वाला ही नहीं है, माया कहां पकड़ेगी, कमजोर वाली जगह होगी, शक्तिशाली वाली जगह थोड़ा पकड़ेगी, बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे, बाप और वर्षा याद आता रहेगा, वैकुंठ देखते रहेंगे, बस अभी हम ये प्रारब्ध पाएंगे, पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे, पछताना भी यहां होगा, अभी भी पछता रहे ना,
जितना करना था उतना नहीं किया, ये भी पश्चाताप है ना। फिर अपने आप को संभाल लेते हो तो आपका भला, नहीं संभालते हो तो आपका भला। जितना करना था उससे ज्यादा हो गया तब है मजा, जितना सोचा था उससे ज्यादा हुआ तब तो मजा है, खुशी मिलती है। जब देखेंगे फलाने फलाने क्या बनते हैं, हम क्या बनते हैं, सजाएं भी बहुत खाएंगे, बाप कहेंगे हम तो तुमको समझाते रहे तुमने समझा नहीं, सिवाय प्रूफ किसको सजा नहीं मिल सकती। अब इसमें लगता है कि एक एक को प्रूफ देंगे, प्रूफ तो सबको अपने आप आएगा और एक ही सेकंड के अंदर। अब उससे पहले जितनी देर भी कि काश मैं कर लेता, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, उसको सब अपना पता लगेगा, उस टाइम कर लेता। साक्षात्कार कराकर फिर सजा देते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही ढीला पुरुषार्थ होगा। अभी तुम समझ सकते हो, अभी तुम समझ सकते हो, हमसे फलाना ऊंच पद पाएंगे, सर्विस का बहुत शौक है, कोई आए तो रास्ता बताएं, जितना हर्ष रहता है डूबे हुए को पार कराना है, जितना खुशी रहती है और डूबे हुए को पार कराना है। तैरने वाले जो होते हैं वो झट कूद पड़ते, गाते हैं नैया मेरी पार लगा दो, बाप हमको सच्चा रास्ता बता रहे हैं, हमको फरमान मिला है, कोई भी आए तो उनको अपना लक्ष्य बताना है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति कल्ट के हैं, ये सब भक्ति कल्ट के हैं, पतित पावन एक बाप ही है जो आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं। श्री श्री 108 ये रुद्र अर्थात शिव निराकार की माला है, निराकार आकर पढ़ाते हैं, ये कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है। हमको तो बाप ज्ञान सुनाते हैं, महिमा ही बाप की है, ज्ञान का सागर वे है, ऐसा समझाना चाहिए जो वे कोई बात बीच में कर ना सके और उसको पूछने का मौका ही ना मिले, इतना अच्छी तरह एक एक बात समझानी चाहिए। हम वेद के बाप से पढ़ते हैं, सर्व का सदगति दाता वो बाप है, इस पर जोर देना चाहिए, नहीं समझते तो छोड़ दो। बोलो तुम देवता धर्म के हो नहीं ही नहीं हो, नहीं बोलना नहीं। तुम देवता धर्म के हो ही नहीं, ही नहीं हो, ये रास्ता छोड़ दो, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। सन्यासी भी कोई कोई आ जाते हैं, आगे चल वृद्धि को पाएंगे, कुंभ मेले पर कितने ढेर आते हैं स्नान करने, दिन प्रतिदिन भक्ति भी तमो प्रदान होती जाती है, इसको फॉल ऑफ पॉम्प कहा जाता है। एक फिल्म बनी हुई है, पहले एक स्टोरी थी उस पर फिल्म भी बना दी है, फॉल ऑफ पॉम्प, ठीक है। एक शहर में आग लगती है, बम चलते हैं, वो नष्ट हो जाता है, जैसे वो गिरे थे ना दो बम, वो तो रियल में गिरे थे। एक स्टोरी बनाई गई उसके, उसको स्पष्ट करने के लिए, दिखाने के लिए अपने तरफ से, ठीक है नहीं। तो इसको फॉल ऑफ पॉम्प कहा जाता है, ये भी एक खेल है जिसमें दिखाते हैं दुनिया विनाश कैसे होती है। अभी इनको उनकी पॉम्प है, अभी तो पॉम्प मतलब दिखावा है, कैसे जो ना इतनी सुंदर नगरी कैसे विनाश को पाई। तुम बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमको सुख दाम का रास्ता बताते हैं, अगर हम औरों को रास्ता ना बताएं तो बच्चे कैसे कहलाएं, बच्चे कैसे कहलाएं। उल्टी चलन से इज्जत गंवा देते हैं, बहुत बच्चे समझते हैं हम पाप करते हैं, हम पाप करते हैं,
बाप को मालूम थोड़े ही पड़ता है। अरे भक्ति मार्ग में भी मुझे सब मालूम पड़ता है। तब तो तुमको फल मिलता है, बाप को तो तरस पड़ता है, बाप को तो तरस पड़ता है। बच्चे अभी तक छिपाकर भूले करते रहते, समझते कि नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, रूहानी यात्रा पर रहने के लिए एक दो को सावधान करते रहना है। कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए सारा दिन याद की यात्रा में रहने की मेहनत करनी है। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी, सबको सुख धाम का रास्ता बताना है, सर्विस का शौक रखना है। वरदान, संकल्प से भी मेरे पन का मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भाव। मेरे पन का विस्तार ही बोझ है, कोई भी मेरा पन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता बन नहीं सकता। संकल्प भी मेरे पन का, संकल्प भी मेरे पन का भान आया तो समझो मैले हो गए। यदि मेरे पन का संकल्प भी आया ना, मिको क्या है, ये मेरा भाई है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे संबंधी है, किसी भी चीज पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझा, मैल का बोझ हो जाएगा। किसी भी चीज पर मैल लगेगी तो उसका भी क्या हो जाएगा, बोझ हो जाएगा। तो सब बोझ बाप हवाले कर मेरे पन की मैल को समाप्त कर, कोई भी मेरे पन की मैल चिपकानी नहीं है तो फरिश्ता बन जाएंगे, तो फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन है, हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान। हर पर कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारे ऊपर कोई उसका असर नहीं, फीलिंग में भी नहीं आए और प्रशंसा में भी नहीं आए, तभी क्या कहलाएंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान। क्योंकि बाबा को कोई खुशी नहीं होती, कोई दुख नहीं होता। जब हम खुशी और दुख से ऊपर उठेंगे तब हम कहलाएंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।